अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और व्लॉग शुरू होने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि नसरीन की फ़नी वीडियो फाइनली आ चुकी है, जिसका आपको बहुत बहुत इंतज़ार था, और जाके देखें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बहुत सारी मेहनत लगी है एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज़। इन्जॉय। अरे गाइस, सो अभी इफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा रहता है और आज की जो मेरी इफ्तारी है वो है रैम्बो भाई के घर पर। इस वक्त मैं रैम्बो भाई के घर पे हूँ और ही वॉज़ वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी ओवर टू हिज हाउस। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है उनका, जैसे वो खुद प्यारे हैं उनका घर भी प्यारा है। और उनके गार्डन में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनिक चीज़ें ग्रो की हुई हैं, सैलड्स वगैरह, तो वो भी आपको दिखाते हैं आज। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। नहीं यार, ऑलमोस्ट यू आर द स्वीटेस्ट मैन आई नो, माशाल्लाह लवली पर्सन। और आपका घर बहुत बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अभी ये व्यूअर्स को बता रहा था ये गार्डन है और अंदर से आपने जो ऐसे गार्डन बनाया अपना, ऑर्गेनिक चीज़ें ग्रो की हुई हैं। तो अभी रैम्बो भाई बता रहे थे कि उनको दरख्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है। प्यार है भाई, दरख्त कोई काटे मुझे बड़ा दुख होता। मेरी नानी जी उनको बहुत हरियाली पसंद थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो दरख्तों में से हमारी ज़िंदगी है ऐसे ही। लेकिन जिस तरह आबादी हो रही है, जिस तरह लोग घर बेच के प्लाजे खड़े कर रहे हैं, पाँच पाँच छः छः घर ये दरख्त लगे हुए हैं घर में। देखो ना पीछे कितने घने दरख्त हैं। ताज़ा ताज़ा ऑर्गेनिक ब्रोकली लगी है रैम्बो भाई के गार्डन में। और क्या क्या लगा है? पार्सले और सैलड। सैलड और वो भी सैलड है, ये लेमन कुछ इसको कहते हैं और इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ये जिसमें फूल है। और बैंगन दिखा यार, ओए होए होए, देखो जी बैंगन लगे हुए हैं जी, क्या बात है माशाल्लाह। मिंट आया है, मिंट दो मिंट। ओए होए होए, दादी ये मिंट चार जंदा है, एक मिंट चार पीछे लगा है, कैसे अच्छा है। बहुत 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 आला माशाल्लाह, ये तो जन्नत है जी आपके गार्डन में। अपने लिए ऑर्गेनिक फूड आप खुद ग्रो कर रहे हैं, इतना तो नहीं मिल सकता, खा लेते हैं। ये मैंने अभी लगाया है, कद्दू लगाया है। अच्छा। और ये भिंडी है, जबरदस्त। दो तीन उससे उसकी हैं, ये प्याज है और ये सैलड ही है, वही वाला। वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त। इस ये जो मजा है ना, ये जबरदस्त। ऐसे दरख्त कहाँ मिलते हैं, पेड़ है ये पूरा। ये वो है जामुन, और वो देखो वो किस चीज़ का दरख्त है, ये इसको क्या कहते हैं, सुंबल का। अच्छा, सुंबल फूल से होते हैं, सुंबल बहुत खूबसूरत है। और मैं ऊपर तुम्हें दिखाऊं, सेट भी हल्का सा एक लगा। हाँ, अच्छा अच्छा, आ जाए एक छोटा सा सेट भी, जबरदस्त। वाह जी वाह, ये ग्रीन स्क्रीन भी लगी हुई है, क्रोमा लगा हुआ है। ये तो ना ऐसे दरख्त कहाँ नजर आते हैं यार शहरों में, माशाल्लाह। जो है ना ये मोरिंगा है। हाँ, मेरा मोरिंगा जी। हाँ जी, मोरिंगा माशाल्लाह। इसके पिछले साल के पत्ते मैंने सुखा लिए हैं, वो मैं रिश्तेदारों दोस्तों यारों को भेजता हूँ, खाएं दबा के। ये टॉप व्यू देखो गार्डन का, ये है जी गार्डन, देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो एक सीटिंग बनानी है हमने, वो मैंने सीढ़ी लगा दी है। हाँ, एक वो हाँ वही मैं देख रहा था, उधर सीढ़ी लगी हुई। और इधर बच के जरा एक मिनट, ये मेरे तोतों का है। ये अंदर देखो एक वॉशरूम था, उसको मैंने बना दिया है। अच्छा, ये बंद है। और एक मैंने ये बनाया है, ये देखो यहाँ पे मैंने बकरियाँ रख ली हैं, गर्मियों में बाहर सर्दियों में अंदर। बस अब ये है कि वो उनका ख्याल रखने के लिए ना मुझे कोई प्रॉपर बंदा नहीं मिल रहा, बंदा नहीं मिल रहा। अच्छा, तो एक बकरी लेके आऊंगा जिसके दो बच्चे होंगे। कपल, हाँ, मैरिड कपल। यस यस यस, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घर है। और अभी मेरे ख्याल थोड़ी सी रेनोवेशन हो रही है ना। सेट की रेनोवेशन इधर, जैसा कि आपको पता होगा रैम्बो भाई का अपना यूट्यूब चैनल है, जाके देखें, सब्सक्राइब करें। ये जगह बड़ी अच्छी बन सकती है, ये ना सिटिंग के लिए। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, बड़ा जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये वाली जगह बहुत खूबसूरत है, ये बड़ी अच्छी बन सकती है। मैंने एक ड्रामे में बनाई थी, हट बनाया था इसका, और लेकिन वो एक बड़ी तेज आंधी आई थी, उससे टूट गया था लकड़ी का। ये जो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये जो
कौन से? ये वाले ये पाम ट्रीज हाँ। पाम ट्री। और अब इफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा है, तो अब देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। हम जा रहे हैं नीचे, चलते हैं। और सोलर लगाए, ओ सोलर भी लगे हैं, जबरदस्त। और मुल्क के अपना काम हाथ बटाएं, हाँ वापदा के साथ हो रही है बिजली में। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत अच्छा किया आपने। मेरा पहला, आप तीसरा महीना चल रहा है। और कैसा आप, क्या रिव्यूज है? अभी तक कोई बिल नहीं आया। हाय, मजा तो फिर आना है। मजे। छत का आगे बाजी की कुकिंग बहुत बहुत, अभी हमने सहरी की थी कुछ दिन पहले, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त आपकी कुकिंग। उस दिन नहीं बनाई थी, उस दिन क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं सिर्फ खाने में कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त निहारी बनी थी, कढ़ाई बनी थी, और क्या था, पालक थी, तो बहुत मजा आया। ओके ये देखें, स्नीक पीक हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ा इंग्लिश मेन्यू लग रहा है आज तो। देसी भी है? अच्छा देसी भी है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलें, हाँ हाँ, एवरीथिंग, आई एम बिग फूडी। घर के बैंगन भी, वो जो अपना बैंगन उतारे ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ओह जी वाह, वाह जी वाह। यार बैंगन के पकौड़े बनाना, मैं खाऊंगा। माशाल्लाह, चलिए अभी थोड़ी देर में लगता है खाना, फिर देखते हैं। जैसी आ गया, हेलो, मुझे ये मूड़े दरिया और ये मिट्टी के बर्तन पसंद है। वाह, और ये मम्मी डैडी योर टाइप है, ये चीजें नहीं। वाह 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 वाह, ब्यूटी। इधर आप पता है वो लग रहे हैं, अल पचीनो। हाँ, अल पचीनो से मुझे मिलाते हैं, है ना? मेरा एक फोटो शूट लगा था, उसमें लोग कह रहे थे यार इधर वाकई आप अल पचीनो लग रहे हैं। रैम्बो का डाई हार्ड फैन मोमेंट। इसने क्या, ये टोपी भी आपकी सारी तस्वीरें लगाई? टोपी पे तस्वीरें मेरी, इधर ये मैं मुल्तान ड्रामा कर रहा था। अच्छा, तो ये पहन के सारा दिन फिरता रहता था। यार बड़ा क्रेजी फैन है। ये मिलने आया था कि इसको ये बहाना मिल गया था इस तरह कि मेरी मुलाकात हो जाएगी। देखो गाइस, ये है जी द ओरिजिनल, ये प्रवीण, द ओरिजिनल नसरीन, द प्रवीण, नसरीन प्रवीण। ये मैं मेकअप भी खुद करता था। अच्छा? 15 मिनट के अंदर अंदर। ओह माय गॉड। और ये विग जो है ये वो थी, वे सब तो सोनिया मैडम निशो ने जो पहनी थी गाने में। अच्छा, ये मेरे पास थी। ये आपने किस ड्रामे के लिए? ये मैं लंदन में कोई ड्रामा कर रहा था, इस तरफ से निकल के लड़की बन के दूसरी तरफ से फिर आ जाता था। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी खुद ही मेकअप करता था। जबरदस्त, हेरल्ड में आया था। वाह, जरा देखनी है तस्वीरें। ये 90s में आया था, 97-98 में। ये देखो, वाओ, मेल गिब्सन, ऐसे मेल गिब्सन लग रहे हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल लग रहे हैं वो उस तस्वीर में, वो जो पिछली थी, ऐसे ही है। बड़ी यूनिक लुक्स हैं आपकी हर। ये देखें, वाह, हेरल्ड। ये हेरल्ड हमारे यूके में बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर है। बड़ी बात है, मेरा टाइटल मुझे पता ही नहीं था। मेरे पीछे यार वो करा ले, टाइम नहीं होता था। मैंने कहा यार मैं शूट कहाँ, पहले शूट्स का कुछ नहीं होता था, हम तो दिन रात काम करते थे। लेकिन मैं अभी भी बताता चलूँ व्यूअर्स को कि रहमू भाई की आज भी जो एनर्जी है ना, आई थिंक मुझसे भी ज्यादा होगी माशाल्लाह। मैं देख के यकीन करे बड़ा वो हमें भी, वो पता क्या जुनून है ना काम का, तो जब कैमरा स्टार्ट साउंड और एक्शन होता है ना, वो पता नहीं कहाँ से अंदर कुछ एनर्जी आ जाती है। ऐसे उठने को दिल नहीं करता बंदा, आए कट होता है। हाँ वैसे मैं नोट किया, जैसे कट होता है रैम्बो वॉइस हो जाता है, और जैसे कैमरा ऑन होता है तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हाँ वो है, बस 10 मिनट रह गए तो खाना जो है आना शुरू हो गया है। एस जैन आ रहे, आ जाओ एसन, क्या हाल है यार, ठीक हो? ब्यूटी स्लीप। ये 15 मिनट में क्या सोए हो गया? कुछ नहीं था यार, मैं तो जाग रहा था। जाग रहा था एसन, कोई से टेल अस सम मेमोरी अबाउट योर फादर या योरसेल्फ और समथिंग। आई रिमेम्बर, ये आपको अपने जो पुराने किस्से बता रहे थे ना, एक तो मुझे भी याद है, नॉट वेरी लॉन्ग अगो, 10-12 साल हुए होंगे, सेंट डोरस मॉल है ना इस्लामाबाद में। हाँ। उसके सेकंड फ्लोर पर हम किसी ने इतने पहचान लिया बाबा को। अच्छा,
तो विद इन 2-3 मिनट्स मेरे मेरा दम घुट गया था, मूव करने की जगह नहीं थी उस पूरे फ्लोर पे। मैं वो तब मास्क का फैशन तो अब आया ना, मैं मास्क और काली ऐनक और वो लगा के फिरता, मुझे आवाज से भी लोग पहचान लेते, लोग फिर भी पहचान लेते, आवाज से भी पहचान लेते, पता नहीं आंखों से भी पहचान लेते हैं, बोलो भी ना। हाँ बस बस ऐसा है कि यार शुक्र है। तो ये घबरा गया था, छोटा था, कहता बाबा घुटन हो रही है बाहर चलो बाहर। तो वो तुम्हारा फर्स्ट वो एक्सपीरियंस है कि यार द स्टारडम ऑफ योर फादर। उस दिन बहुत ज्यादा था। सबसे रिक्वेस्ट है गाइस के हमें तो आपने बहुत प्यार दिया, आप हमारे बच्चों की बारी है जरूर। तो एहसन अफजल खान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ही आई एम श्योर ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर। ये हमने इसका एक समझ लें कि वर्कशॉप करवाई है इसकी, ये जरा इसको और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जरा पता चल रहा है और साथ साथ चल रहा है, इसलिए इसी बहाने हम अब रोटी भी आ गई है, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ास ये क्या है, दाल बाहर वाली चीज़ें जी, दाल है, चाट। हाँ ये वैरायटी आप चेक कर रहे हैं, वैरायटी आप देखें कितनी माशाल्लाह, फ्रूट चाट, बर्गर्स, ये जी पकौड़े, दाल, चिकन सालन, चावल हैं, दही पड़े हैं, अपना ऑर्गेनिक बैंगन के पकौड़े, जी बैंगन पकौड़ा, वेरी नाइस। हालांकि मुझे लगता है कि बैंगन वो सालन में, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं खाता ना, बहुत अच्छा है, लेकिन आज पकौड़ा बहुत बहुत मजेदार है। नमक कम रखवाते हैं, नमक एक्चुअली हमारे घर में भी नमक कम खाया जाता है, नमक और मिर्च बस नॉर्मल। लून काटा, मैं हरी मिर्च खा लेता हूँ। अच्छा हरी मिर्च का पकौड़ा भी कहीं आपको नजर आ रहा है, ये दो बनवाई हुई है। हरी मिर्च मुझे जितनी मर्जी खिला दो। ले गाइस अब हम इफ्तारी करने लगे, आप भी जाएं इफ्तारी कर, हम आपको मिलते हैं किसी कमर्शियल ब्रेक के बाद।